हाय, वेलकम टू वीआर लर्नर्स। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं, जिसमें क्लास टेन मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरओवर, हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे, जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ एक सर्कल है विद द सेंटर ओ। अब इस सर्कल के एक्सटर्नल पर एक पॉइंट है ए। अब इस एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, और ये टेंजेंट इस सर्कल पर टच कर रहा है पॉइंट पी पर। अब यहां हमें दिया गया है लेंथ ऑफ द टेंजेंट। देखिए, हम जानते हैं लेंथ ऑफ द टेंजेंट हम किस पार्ट को कहते हैं। देखिए, टेंजेंट का वो पार्ट जो एक्सटर्नल पॉइंट से लेकर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक के बीच का जो पार्ट होता है टेंजेंट का, उसको हम लेंथ ऑफ द टेंजेंट कहते हैं। सो हियर लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज गिवन, दैट इज हियर ए पी इज गिवन एंड दिस इज 4 सेंटीमीटर्स। ऑल्सो गिवन कि सेंटर ऑफ द सर्कल से इस एक्सटर्नल पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो भी हमें यहां दिया गया, दैट इज ओ ए इज हियर 5 सेंटीमीटर्स। हियर वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, दैट इज ओ पी का हमें मेजरमेंट यहां फाइंड करना है। देखिए, हम जानते हैं कि किसी भी टेंजेंट पर यदि थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यदि हम कोई एक रेडियस ड्रॉ करते हैं, देन दिस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट। दैट मीन्स हियर ओ पी इज परपेंडिकुलर ऑन पी ए। तो हम देख सकते हैं यहाँ एंगल ओ पी ए जो है ये 90 डिग्रीज का एंगल हो जाता है। नाउ इस ट्राइंगल में देखिए, ओ पी ए में देखिए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। सो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम होता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर, सो यहाँ हमारा हाइपोटेनस क्या है, ओ ए। सो आई कैन राइट दिस एज ओ ए स्क्वायर्ड इज इक्वल्स टू हियर परपेंडिकुलर इज ओ पी, सो ओ पी स्क्वायर्ड प्लस बेस इज पी ए, सो पी ए स्क्वायर्ड मैंने लिख दिया। नाउ यहां मैं इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देती हूँ। सो ओ ए इज 5, सो दिस इज 5 स्क्वायर्ड इज इक्वल्स टू ओ पी हमें फाइंड करना है, सो दिस इज ओ पी स्क्वायर्ड प्लस पी ए इज 4, सो दिस इज 4 स्क्वायर्ड। सो नाउ आई कैन राइट दिस एज, अब देखिए इसको ओ पी स्क्वायर्ड इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर्ड बाई ट्रांसपोजिंग -4 स्क्वायर्ड हो जाता है। नाउ यहां मैं यूज कर सकती हूँ, देखिए ए स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड का फॉर्मूला। वी नो दिस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नाउ यदि मैं इसको ए स्क्वायर्ड मानती हूँ और इसको बी स्क्वायर्ड मानती हूँ, तो आई कैन राइट दिस एज 5 प्लस 4, दैट इज ए प्लस बी मैंने लिख दिया, और ए माइनस बी, ये देखिए दिस इज इक्वल्स टू 5 प्लस 4 इज 9, 9 एंड 5 माइनस 4 इज 1, सो दिस इज इक्वल्स टू 9। नाउ हम बोथ साइड्स स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब देखिए, बोथ साइड्स यदि हम इस तरीके से स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, देखिए देखिए 9 का मतलब क्या होता है, 9 का मतलब हो जाता है 3 स्क्वायर्ड। फाइन, सो मैं इसको लिख सकती हूँ कि देयरफॉर ओ पी इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर्स। तो हमने रेडियस फाइंड कर लिया, दैट इज ओ पी का हमने मेजरमेंट फाइंड कर लिया, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3 सेंटीमीटर्स। आंसर, आइए देखते हैं आज के सवाल। आप जल्दी से कमेंट पे इनकी रिप्लाई करें। मोरओवर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं, सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए यहीं तक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।